आवाज आ रही है? बोलिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, चलिए। सो आज की मेडिसिन कार्बो एनिमलिस है, तो आज मेडिसिन स्टार्ट करेंगे जल्दी। हम 9:58 हुए हैं। लेट्स वेट लेट द अदर्स कम, देन वी बिगिन। ओके, सो इससे पहले हम कैप्सिकम तक कर चुके हैं। वो आप अपने चैनल पे देख सकते हो। अपन ने अपनी सीरीज का भी टाइम चेंज किया, जैसे कि अभी 10 बजने वाले हैं, तो 10 बजे से अपन सॉरी 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। ओके, बस थोड़ी देर और। Let the people join. जिस कार्बो एनिमल्स के बारे में आप कुछ जानते हैं, आपने कहीं यूज करी है, तो काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस इन द लाइव कमेंट्स। कुछ सेकंड्स में स्टार्ट करेंगे। बस आज सब बिजी हैं, वो ओनली ओनली वन लाइफ। आप लाइव सेशन हर सैटरडे रात को 10 बजे देख सकते हो। इसके अलावा अपना, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये सेशन बाद में अपलोड हो जाता है, तो आप बाद में भी टाइम निकाल के देख सकते हो। बाकी अगर लाइव अपन देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि लाइव एक बिल्कुल लगातार कंटिन्यूस अपन देखते हैं। सो इट्स 10:01। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बो एनिमलिस। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एस्कॉर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिसिन, वेयर टीचिंग्स आर पैशन, एंड टू आवर सीरीज मास्टर एलेंस की नोट टू डॉक्टर एपीएस चावड़ा। सो कार्बो एनिमलिस व्हाट इज इट? सो कॉमन नेम इज एनिमल चारकोल। एक्चुअली मेडिसिन एनिमल चारकोल से बनती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इट्स हेड एक। सो हेड एक एज इफ अ टोर्नाडो इन हेड। आप देख सकते हो टोर्नाडो, जैसे जो हवाएं चलती हैं बिल्कुल ऐसे गोल गोल सी घूमती हैं, दैट इज टोर्नाडो। बेसिकली इंडिया में आपको नहीं मिलेंगी, बट अमेरिका और ऐसे देशों में आपको उस तरफ ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे भी चलती है, लेकिन बहुत बहुत कम और बहुत कम स्पीड की चलती है ना। सो ऐसा लगता है बिल्कुल कि जैसे हेड में ऐसे टोर्नाडो सा घूम रहा है, ऐसा पेशेंट डिस्क्राइब करेगा। एज इफ हेड हैड बीन ब्लोन टू पीसेस, घूम रहा है और ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसा पेशेंट को फील होता है। एज टू सेट अप एट नाइट एंड होल्ड इट टुगेदर, रात को बैठे और भाई रात को सिर में दर्द हो रहा है, तो वो बैठ जाए और उसको पकड़े, है ना, कि कहीं ऐसे फील
होता है उसको घूम घूम के टुकड़ों में टूट नहीं जाए, तो वो उसको रात के टाइम उठता है, बैठता है और फिर क्या करता है, उसको पकड़ता है, होल्ड करता है सिर को। इस टाइप का हेडेक आपको कार्बो एनिमल्स में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन फॉर फीवर सर्कुलेशन। कार्बो एनिमल्स के पेशेंट का सर्कुलेशन फीवर होता है, किस तरीके का सर्कुलेशन उसके ऊपर बात करेंगे। इसे बोल रहा है डिजीज ऑफ द एल्डरली पर्सन्स विद मार्क्ड वीनस प्लेथोरा। वीनस प्लेथोरा बढ़ गया है, वेन में जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है, वेन में जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, दैट इज वीनस प्लेथोरा, जिसकी वजह से ब्लू चीक्स हैं, ब्लू लिप्स हैं और ग्रेट डेबिलिटी एंड ग्रेट डेबिलिटी। तो क्योंकि वेन में ब्लड ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है, तो उसकी वजह से साइनोसिस है, ब्लूइशनेस होगी, इसलिए ब्लू चीक्स ब्लू लिप्स। तो आपको इस इमेज में हमने दिखाए हैं कि लिप्स बिल्कुल ब्लू हो जा रहे हैं, चीक फेस बिल्कुल जो है वो लिप्स जो है वो बिल्कुल ब्लू हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट अपने को देखने को मिल सकता है कार्बो एनिमल्स में। सर्कुलेशन फीबल है, स्टैग्नेटेड है एंड वाइटल हीट सिंक्स टू अ मिनिमम। वाइटल हीट जो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, साइनोसिस है, क्योंकि फीबल सर्कुलेशन है, ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर रहा है, और अगर ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करेगा तो वो ब्लड स्टेग्नेंट हो गया है, जो हीट है वो कोई बॉडी में प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए बोल रहा है कि वाइटल हीट सिंक्स टू अ मिनिमम। ठीक है, ये एंडम टार्ट और कार्बोवेज में भी देखने को मिलता है। कार्बोवेज हम बोलते हैं बिल्कुल एंड में, एंड की मेडिसिन है, पेशेंट की बिल्कुल जब सांसें खत्म हो जा रही होती है तब हम सोचते हैं कार्बोवेज। एंटीन टायर भी कुछ इसी तरीके की है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की है, जहाँ पे कि एंटीन टायर अपन पढ़ चुके हैं ना, जहाँ पे किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ जा रहा है, एस्फिक्सिया नियोनेटोरम हो गया, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो उसकी मेडिसिन एंटीन टायर है, तो वहां पे भी साइनोस कंडीशन हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके डॉक्टर आनंद, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। सो मेडिसिन फॉर इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स, जब भी हम इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक मेडिसिन आती है, कोनायम मैक। तो कोनायम मैक से एलन ने कंपेयर किया है, एलन ने कोनायम मैक को ब्रैकेट में इसके सिम्टम में कार्बो एनिमल्स में मेंशन किया है। तो सिम्टम कुछ इस तरीके से है, ग्लैंड्स इंड्यूरेटेड स्वलन पेनफुल इन नेक एक्सिले ग्रोइन मैमे पेन्स लैंसिनेटिंग कटिंग बर्निंग। ठीक है, तो ग्लैंड्स कैसे हैं, इंड्यूरेटेड है, स्वलन है, स्वेलिंग है ग्लैंड्स में, पेनफुल है, पेन बहुत ज्यादा होता है, स्वेलिंग है, जैसे आप देख सकते हो नेक में आपको यहाँ पे ये स्वेलिंग दिख रही है, इंड्यूरेशन दिख रहा है, ये जनरली लिम्फ नोड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि लिम्फ नोड्स एनलार्ज है, नेक के लिम्फ नोड्स जो हम एग्जामिन करते हैं वो एनलार्ज है, एक्जिमा के एनलार्ज है, ग्रोइन रीजन में, मेमरी ग्लैंड्स में, यहाँ के लिम्फ नोड्स जो है वो एनलार्ज हो गए हैं, तो उसमें पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, पेन लैंसिनेटिंग पेन होगा, कटिंग पेन होगा, बर्निंग पेन होगा, जलन पेशेंट को महसूस होगी। ठीक है, इस तरीके का इंट्यूशन देखने को मिल रहा है, सेम कोनायम मैक में भी है और सेम ही आपको कार्बन एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ मेडिसिन वेयर देयर आर बिनाइन सेपरेशंस चेंज इनटू इकोरस और मैलिग्नेंट कंडीशंस। बिनाइन सेपरेशंस थे, बिनाइन कंडीशन थी बस, बट वो बिनाइन कंडीशन मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गई है, वो बिनाइन कंडीशन मैलिग्नेंट अगर हो गई है तो वहां पे कार्बो एनिमलिस सोचा जा सकता है। ठीक है, इकोरस डिस्चार्ज है, मैलिग्नेंट है, दैट इज कार्बो एनिमलिस। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर शहला। नेक्स्ट, मेडिसिन फॉर वीक जॉइंट्स। वीक जॉइंट्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रेनिंग के ऐसे सिम्टम्स दिए हुए हैं, इजीली स्ट्रेन फ्रॉम लिफ्टिंग, जहाँ पे हम जनरली
इस केस में हम रस्टॉफ जैसी मेडिसिन सोच सकते हैं, ओवरलिफ्टिंग और लिफ्टिंग जैसी स्ट्रेनिंग वगैरह होना, हम लोग रस्टॉफ सोचते हैं, वहां पे कार्गो एनिमेलिस भी आप सोच सकते हो मेडिसिन। सो इजीली स्ट्रेन फ्रॉम लिफ्टिंग इवन स्मॉल वेट्स, थोड़ा सा भी आप वजन उठा लोगे तो आपके ज्वाइंट्स जो है वो बहुत वीक है, उसमें स्ट्रेनिंग हो जाएगी। स्ट्रेनिंग एंड ओवरलिफ्टिंग इजीली प्रोड्यूस ग्रेट डेबिलिटी, ठीक है। स्ट्रेनिंग होगी होगी, ओवरलिफ्टिंग होगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेबिलिटी, बहुत ज्यादा वीकनेस होगी। एंकल्स टर्न व्हेन वॉकिंग, जब पेशेंट चलता है तो उसके जो एंकल्स हैं वो टर्न हो जाते हैं। देखिए सबसे स्ट्रांग ज्वाइंट जो बॉडी का होता है वो एंकल ज्वाइंट होता है, और जब पेशेंट चल रहा है तो उसके एंकल ज्वाइंट कैसे हो गए हैं, टर्न हो रहे हैं। जो इन्वर्जन इवर्जन की हम बात करते हैं उनमें इतनी जान नहीं है, वो इतने वीक हैं कि वो टर्न हो जा रहे हैं। सो जॉइंट्स वीक इजीली स्प्रेन्ड बाय स्लाइट एक्सर्शन, जरा सा भी एक्सर्ट करने की वजह से स्प्रेन हो जाता है। मेडिसिन इज लीडम पाल, कंपैरिजन में यहाँ पे लीडम पाल मेडिसिन है, ओके। सो लीडम पाल, कार्बो एनिमेलिस, रस्टॉक्स, तो ये मेडिसिन आप सोच सकते हैं जहाँ पे स्प्रेनिंग, स्ट्रेनिंग, ओवरलिफ्टिंग, इन सब की वजह से, एक्सर्शन की वजह से कुछ कंप्लेन्स आ रही है। नेक्स्ट, एवर्जन टू ओपन ड्राई कोल्ड एयर। अभी हमने बात करी थी कार्बो एनिमेलिस का जो सर्कुलेशन है वो फीबल है, फीबल सर्कुलेशन है ना, एक प्रॉपर जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं है। अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं है तो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा अगर ऑर्गन्स तक, तो वहां पे हीट की, वाइटल हीट की कमी हो जाती है, और वाइटल हीट की अगर कमी हो जा रही है तो पेशेंट को ठंड ज्यादा लगेगी, ठंडा महसूस होगा, चिली पेशेंट होगा, वो ठंडे को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। दैट इज व्हाई ही इज एवर्जन, ही हैज एवर्जन टू ओपन ड्राई कोल्ड एयर। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर सुनीता राय, गुड गुड टू सी, थर्टीन वॉचिंग, टाइम से आ जाया करो बिल्कुल, 10 बजे, ज्यादा बड़ी मेडिसिन नहीं होती है तो पूरी हो जाती है जल्दी, है ना। ओके नेक्स्ट, वीकनेस ऑफ मेंसेस बहुत मार्क्ड है इसका, कार्बो एनिमेलिस का। हम लोग देखते हैं हमारे पास में एज अ होम्योपैथ भी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, और इन जनरल भी बहुत सारी फीमेल्स रहती हैं जिनको मेंसेस के टाइम बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। वो आपकी इतनी जो वीकनेस पेशेंट में आ रही है वो एल्यूमिना, वो कॉक्यूलस और वो कार्बो एनिमेलिस जैसी मेडिसिन कवर कर सकती है। कैसी वीकनेस है इनमें, आफ्टर अपियरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक। जब भी मेंसेस आते हैं तो इतनी कमजोर हो जाती है कि वो बोल भी नहीं पाती, इतनी कमजोरी है। तो अगर पेशेंट बोल रही कि मेरे को, मैं जब भी मेरे पीरियड्स आते हैं उस टाइम मेरे को, मेरे बोलने तक की हिम्मत नहीं होती, हस्बैंड बोल रहा है ये बोलने तक की हिम्मत नहीं रहती इसको, उठना, काम करना, घर का कुछ काम करना, वो तो बहुत दूर की बात है, ये बोल भी नहीं पाती, इतनी कमजोरी इसमें रहती है। तो मेडिसिन आपकी एल्यूमिना, ऑक्यूलस और कार्बो एनिमेलिस में से एक है। यहाँ पे फिर आप उनके दूसरे सिम्टम्स से पेशेंट को वेरीफाई करोगे क्या दवाई देनी है। मेंसेस फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग, ये भी एक इसमें सिम्टम है कि मॉर्निंग के टाइम पे ही फ्लो होता है, इवनिंग में कोई फ्लो नहीं, कोई स्पॉट नहीं, नाइट में कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन नहीं, मॉर्निंग में होके फ्लो पेशेंट को दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक इसमें हेयरिंग रिलेटेड, ईयर रिलेटेड एक सिम्टम है, दैट इज हेयरिंग कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड हेयरिंग है, पेशेंट समझ नहीं पाता कि आवाज कहाँ से आ रही, कैन नॉट टेल फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन द साउंड कम्स। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आवाज आ रही है लेकिन किधर से, इस तरफ से आ रही है कि उस तरफ से आ रही है, ऐसा कुछ। ये बेसिकली आपको ओल्ड एज में मिलेगा जहां पे डीजनरेटिव चेंजेस हैं उनमें आपको बेसिकली ये देखने को मिलेगा। तो उन डीजनरेटिव चेंजेस
केस में आप बेसिकली जहाँ पेशेंट बोल रहा है कि मुझे आवाज तो आ रही है लेकिन मैं ये जज नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता कि आवाज किस तरफ से आ रही है, तो आप वहां पे कार्बो एनिमलिस दे सकते हैं। नेक्स्ट एक रेनन रेनुनकुलस बल्बोसस, ये एलन ने जरूर मेंशन किए यहाँ कंपैरिजन में सिम्टम के साथ में ब्राइनिया भी है। सिम्टम क्या है? स्टिचिंग पेन रिमेंस इन चेस्ट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम प्लूरिसी। प्लूरिसी के केस में अगर रिकवरी के बाद में चेस्ट में स्टिचिंग पेन, ऐसे जैसे कुछ चुभ रहा है वाला पेन, जैसे स्टिचिंग करते हैं ना सिलते हैं तो कैसे वो चुभती है, सुई चुभती है, तो ऐसे स्टिचिंग पेन है, चुभन वाला दर्द है। तो प्लूरिसी थी पेशेंट को, रिकवर कर गया बट वो चेस्ट में स्टिचिंग पेन रह गया। तो कार्बो एनिमेलिस, रेनुनकुलस बल्बोसस और ब्राइनिया एल्बा। रेनुनकुलस बल्बोसस बेसिकली इंटर मस्कुलर जो पेन्स होते हैं, जो रिब्स के बीच की मसल्स हैं उन मसल्स में जो पेन है उस पेन को रेनुनकुलस बल्बोसस कवर करता है। ब्राइनिया का पेशेंट ऐसे बिल्कुल चेस्ट फोल्ड करके रखेगा। ब्राइनिया का जो प्लूरिसी सिम्टम है वो प्रूविंग का नहीं है, क्लिनिकल सिम्टम है। बेसिकली क्लिनिकली आप प्लूरिसी में वेरीफाई कर सकते हो ब्राइनिया अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, बट आपको उसकी प्रूविंग में कहीं ये सिम्टम नहीं मिलेगा। तो वहां पे भी पेशेंट में ये चीज मिलती है कि स्टिचिंग पेन रह जा रहा है प्लूरिसी के बाद, प्लूरिसी के टाइम के और प्लूरिसी के बाद भी आप ये ब्राइनिया भी दे सकते हो, जहाँ पे पेशेंट अपने चेस्ट को बिल्कुल होल्ड करके रखता है, जरा सा भी मूवमेंट पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता बिकॉज देर इज एग्रावेशन फ्रॉम मोशन ब्राइनिया, राइट? सो फॉर दिस स्टिचिंग पेन व्हिच इज रिमेनिंग इन चेस्ट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम प्लूरिसी यू कैन थिंक ऑफ ब्राइनिया एल्बा, यू कैन थिंक ऑफ कार्बो एनिमेलिस एंड रेनुनकुलस बल्बोसस। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन फॉर एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस। अभी हमने बात करी मेंसिस की कि पेशेंट का मेंसेस उसको बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देता है, बिल्कुल इतना वीक कर देता है कि पेशेंट बोल भी नहीं पाता। ये देखो आपकी किस तरीके से एग्जॉस्ट हो गई है कि बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। सो मेंस्ट्रुएशन हो, इवन ल्यूकोरिया हो, डायरिया हो, किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो, रिया मीन्स यहाँ पे डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज, डायरिया हम राइनोरिया ओटोरिया, सो दीज आर डिस्चार्जेस। मेंसेस मेंस्ट्रुएशन जैसे बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होता है फॉर दैट वी यूज द टर्म मेनोरेजिया। ओके, सो ये सारे डिस्चार्जेस एग्जॉस्टिंग है तो मेडिसिन कार्बो एनिमेलिस है एंड मेडिसिन आरसेल्व है। और ये सारे डिस्चार्जेस अगर बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, ऑल आर ऑफेंसिव रदर देन एग्जॉस्टिंग, दे आर ऑफेंसिव, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है किसी ऐसे डिस्चार्जेस में से पेशेंट के, मेडिसिन इज सोराइना। हालांकि आर्सेनिक की जब हम बात करेंगे तो आर्सेनिक में एक कैडेवर स्मेल आपने पड़ी होगी, जैसे कैडेवर में से एक बदबू आती है वो आपको आर्सेनिक पेशेंट में मिलेगी। और प्लस वो एग्जॉशन, वो वीकनेस भी बहुत मार्क होती है। आर्सेनिक में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, एग्जॉशन भी मिलेगा और ऑफेंसिवनेस भी मिलेगी। बेसिकली यहाँ एलन ने आर्सेनिक कार्बो एनिमल्स की कंपैरिजन में एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस के साथ में लिखा है, और सोराइनम में जितने भी डिस्चार्जेस है वो ऑफेंसिव हो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशंस। सो रिलेशंस में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, कैल्केडिया फॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कार्बो एनिमल्स, सिमिलर सिमिलर टू भेड़ियागा, ब्रोमियम कार्बोवेज फॉस्फोरस सीपीआर सल्फर। नेक्स्ट, कार्बो एनिमल्स इज ऑफन यूजफुल आफ्टर बैड इफेक्ट्स फ्रॉम स्पॉइल्ड फिश एंड डिकेड वेजिटेबल्स। जहाँ हम जैसे फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं तो हम फूड पॉइजनिंग में हम आर सेल्फ सोचते हैं, जैसे जहाँ पे वेजिटेबल्स जहाँ पे डीके हो गई हैं, सड़ गई हैं सब्जियां, स्पॉइल्ड फिश है उसको ले लेने के बाद में जो भी बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट में, तो
इसको कार्बो एनिमलिस, कार्बो गैस, और सीपा, सीपा मीन्स अगर कहीं भी सीपा लिखा है इसकी नोट में, दैट मीन्स एलियम सीपा की बात कर रहा है। तो कार्बो एनिमलिस, कार्बो गैस और एलियम सीपा कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्रावेशन इसमें दिया है आफ्टर शेविंग, पेशेंट को शेविंग करने के बाद में एक एग्रावेशन दिया हुआ है। जहाँ पे ब्रोमियम में हम बात करें तो एम्ल्योरेशन आफ्टर शेविंग, एम्ल्योरेशन आफ्टर दिया ब्रोमियम में। स्लाइटेस्ट टच, जरा सा भी टच करते हैं उससे भी कार्बो एनिमल्स को एग्रावेट करता है। आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद में भी कार्बो एनिमल्स की कंप्लेंट्स एग्रावेट करेंगे। लाइक जैसे स्टिचिंग पेन वगैरह, तो वो मिडनाइट के बाद में ज्यादा हो सकता है। जैसे एक स्टिचिंग पेन में आपको अगर बताऊं कि स्टिचिंग पेन की दो टॉप मेडिसिन है, ब्रायनी एल्वा एंड कैलिकार्ब। कैलिकार्ब अगर आपने पढ़ी है तो आपने, जब में आगे चलेंगे तो जब आएंगे तब बात करेंगे। तो कैलिकार्ब में भी स्टिचिंग पेन ब्रायनी एसिड का ही मार्ग है, एक इन जनरल दोनों में स्टिचिंग पेन मिलता है। या मिडनाइट से एक्चुअली कैलिकार्ब याद आई, क्योंकि कैलिकार्ब का एक एग्रावेशन टाइम है। यस एनीवन, 8 जने देख रहे हैं, कौन कौन बता सकता है कार्बो एनिमलिस में का एग्रावेशन टाइम क्या है? बहुत स्पेसिफिक एग्रावेशन टाइम है, कई बार मेरे को पेशेंट्स में मिला एंड आई वेरीफाई विद द अदर सिम्टम्स, कैलिकार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन वहां वर्क करती है। यस एनीवन, नहीं आता तो नो बोल दीजिए तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप सर्च करो। नहीं आता तो नो बोल दो, तो यही अपन डिस्कस कर लेंगे। सो कैलिकार्ब और ब्रायनी आप याद रखना स्टिचिंग पेन के लिए, ठीक है? मोवन, चलो तो पढ़ो अपने आप, नहीं आता तो बताओ फिर मैं बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम कार्बो एनिमलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सी यू नेक्स्ट सैटरडे 10 PM एंड सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, 75th इंडिपेंडेंस डे। नहीं आता ओके, डॉक्टर शैला सुल्ताना कमेंट आया है, कैलिकार्ब बहुत स्पेसिफिक, उसका 2 AM एग्रावेशन है, रात के 2 बजे, यानी कि आप बोलो कि अर्ली मॉर्निंग जो 2 बजते हैं, वो सुबह के 2 या 3 बजे का एग्रावेशन आपको कार्बो सॉरी कैलिकार्ब में मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट सैटरडे 10 PM ऑन आवर चैनल एस्कॉर स्कूल ऑफ एक्सलेंस इन मेडिसिन।